मेंटल हेल्थ के लिए आप अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी कर सको, उसके लिए आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट अच्छा रहना, उसके लिए आपका ब्लड अच्छा बने, उसके लिए आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बने, उसके लिए यू नीड इट। अभी भी वर्कआउट बीच में नहीं आया है, ठीक है, उसके लिए आपको मैंने ओके जब भी मैं प्रोटीन की बात करता हूँ ना, तो सबसे कॉमन सवाल मुझे ये आता है कि सर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो वर्कआउट के बिना भी हमें प्रोटीन खाना चाहिए क्या? ये वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक वेलनेस कोच हूँ। मेरा काम है ये चैनल पे ये सारे न्यूट्रिशन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करना। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब बात करते हैं प्रोटीन और वर्कआउट के रिलेशनशिप के बारे में। तो ये रिलेशनशिप जाने उससे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रोटीन क्या है और हमें दिन का कितना प्रोटीन खाना चाहिए, एंड देन वी विल सी द कनेक्शन बिटवीन वर्कआउट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन एक ग्रीक या लैटिन शब्द से आया था, प्रोटियोस जो शब्द था, जिसका मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट प्रोटीन हमारे डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, अदर्स बीइंग कार्ब्स, फैट्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड वाटर। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हमारी बॉडी का पूरा ऊर्जा, तुम्हारे मस्त जो घने बाल है, तुम्हारी सुंदर त्वचा, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे ऑर्गन्स, तुम्हारी हड्डियां, दांत, स्किन, एवरीथिंग हैज प्रोटीन एज इट्स स्ट्रक्चरल यूनिट। तो तुम्हारी बॉडी का ऊर्जा प्रोटीन से बना हुआ है, राइट? प्रोटीन तुम्हें खाने में से मिलता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डजंट मैटर, मिलता है। अगर तुम वेजिटेरियन हो, पनीर, दही, दूध, आलमंड्स, वॉलनट्स, चना, छोले, राजमा, किनोआ, बकवीट एंड द लिस्ट गोज ऑन। अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हो तो अंडा, चिकन, मटन, मच्छी, प्रॉन्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये सारी चीजें अगर आप रेगुलरली खा पाते हो तो आपकी डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन आ सकता है। बट अच्छा खासा इज अ वेरी वेग टर्म, राइट? इसका जवाब है ना, आपको आपके दिन में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए जस्ट टू मेंटेन योर लाइफ। अभी मैं वर्कआउट को बीच में ला भी नहीं रहा हूँ, आपको जिंदा रहने के लिए, आपको आपकी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन्स प्रोड्यूस हो उसके लिए, आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, आप अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी कर सको उसके लिए, आपका एनर्जी लेवल थ्रू आउट अच्छा रहना उसके लिए, आपका ब्लड अच्छा बने उसके लिए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बने उसके लिए यू नीड इट। अभी भी वर्कआउट बीच में नहीं आया है, ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो ऑफ योर बॉडी वेट चाहिए। तो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का, अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का, एंड सो ऑन। अगर आप ये नहीं खाओगे तो ये जो भी चीजें मैंने बोली ना, आपका ब्लड स्ट्रगल कर सकता है, आपकी स्किन कंडीशन स्ट्रगल कर सकती है, आपके मसल्स, आपका एनर्जी लेवल, आपके हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें स्ट्रगल कर सकती हैं। अब इसका कनेक्शन देखते हैं वर्कआउट के साथ। मिनिमम पता चल गया आपको 1 ग्राम चाहिए वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको आपके वर्कआउट के इंटेंसिटी के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन लगेगा। तो मिनिमम 1 ग्राम पर केजी है, वर्कआउट के हिसाब से 3 ग्राम तक जा सकता है। सो लेट्स से आप सिर्फ 15-20 मिनट के लिए वॉक पे जाते हो एवरी डे तो 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी हो जाएगा। अगर आप जॉगिंग या रनिंग के लिए जा रहे हो तो 1.7 टू 2 ग्राम पर केजी चला जाएगा। अगर आप 3-4 दिन वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो 2.5 ग्राम के आसपास चला जाएगा। अगर आप रोज जाके हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो 3 ग्राम तक आपको प्रोटीन लगेगा पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो दिस इज द कनेक्शन। आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपको जिंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर बॉडी। देयर आर सो मेनी फंक्शंस अटैच्ड टू योर प्रोटीन। आपको जानना है कि आप प्रोटीन कहां कहां से ले सकते हो और आपको कौन से फूड सोर्स में से कितना प्रोटीन मिलता है। कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको एक PDF लिस्ट शेयर करूंगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। आई होप ये कनेक्शन आपको इजिली पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गिव इट अ लाइक। अगर आपको लगता है के दोस्तों में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है ये वाला, स्पेशली शेयर दिस वीडियो अक्रॉस। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट संडे एट 4:00। ध्यान रखो।